एक और किया था, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, हम लोग ने दिवाली से 4-5 दिन पहले ही सोफ़ा लिया था। एक्चुअली हम लोग धनतेरस के दिन लेने वाले थे, बट क्या है ना कि मुझे दिवाली के पहले ही थोड़ा घर का मेकओवर करना था, इसलिए हम लोग ने दिवाली से पहले ही ले लिया है। और मुझे येलो कलर का सोफ़ा लेना था, बट बच्चे ख़राब कर देंगे ऐसा सोच के फिर मैंने ग्रे कलर सेलेक्ट किया। और ये वाटर प्रूफ है, मतलब आप वेट क्लोथ से इसे ईजिली क्लीन कर सकते हैं। सो ये बेटर है, क्योंकि अभी बच्चे थोड़े छोटे हैं तो थोड़ा गंदा कर देंगे, इसलिए मैंने सेलेक्ट किया है। और यह दिव्यांश भी, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा है। Hey guys, welcome back to my channel Kedida Vlogs। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो अभी हम लोग नहा धो के रेडी हो गए और कियांश दिव्यांश भी रेडी है। बोलो हाय, बोलो कल का रंगोली है, कल मैंने बनाया था। तो आज का जो रंगोली है मैं शाम को बनाने वाली हूँ, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए, आज का दिवाली है और दिवाली का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बने रहे मेरे इस वीडियो पे, देखते हैं आज क्या क्या होगा। और मैं शाम को पूजा भी करने वाली हूँ, तो कीप कंटिन्यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना। तो चलिए, अभी मुझे दिवाली की प्रिपरेशन करनी है। सो ये वॉल हैंगिंग है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं आइड बटन पे दे दूंगी, आप एक बार चेक कीजिएगा, बहुत ही इजी है। उसे मैं वॉल पे सेट कर रही हूँ। और ये फ़ोटो मैंने यहाँ टीवी वॉल पे सेट किया है, हमारा फैमिली फ़ोटो। और ये कर्टन्स भी मैंने, एक्चुअली मुझे कर्टन चेंज करना था बट मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने वही कर्टन रख दिए। तो देखिए फाइनली लुक हॉल रूम का। और इनके पापा आ गए लंच करने के लिए। तो दिव्यांश देखिए, हमेशा लंच करते वक्त वो आके खाने लगता है। तो गाइस, यहाँ पे शाम हो गया और मैं ये पीकॉक वाला रंगोली डाल रही हूँ। मुझे रंगोली भी डालना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये वाला थोड़ा मैंने छोटा डाल दिया, एक्चुअली घर के सामने प्लेस थोड़ा सा कम है, तो अगर बड़ा डालूंगी तो आने जाने में भी प्रॉब्लम हो जाएगा और रंगोली भी बिगड़ जाएगा, इसलिए मैंने छोटा सुंदर बनाया है। कैसा लगा फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और साइड में मैंने फूल से सजा दिया है इसको। सो यहाँ पे पूजा मेरी सासू माँ हर साल जैसे करती है वैसे ही मैंने किया है, तो ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने मतलब ऐसा कलश वगैरह नहीं बिठाया था। सो ये लक्ष्मी माता जी है और यहाँ पे साइड में मैंने कलश भी बिठा दिया है और स्वीट्स वगैरह के पूजा किया है। सो सबका पूजा करने की विधि अलग अलग होता है, तो हम लोग इस तरह से पूजा करते हैं लक्ष्मी जी का। 8:30 बज गए और इनके पापा आ गए शॉप से। सो मैंने यहाँ पे कटोरी में दूध रखा था, तो यहाँ पे चूहा आ गया पीने के लिए, तो मुझे लगा कि गणेश जी पधारे। सो देखिए, दिया वगैरह मैंने जला रही थी और कियांश भी स्टार्ट कर गया दिवाली सेलिब्रेशन करने के लिए। सो यहाँ पे दिया लगा रही हूँ, बार बार बुझ जा रहे थे। और बालकनी में भी मैंने बहुत सारे दिया जलाया था, बहुत ही सुंदर लग रहा था बालकनी, और लाइट्स भी लगाए थे। सो यहाँ पे दिव्यांश वो प्लास्टिक कवर के साथ खेल रहा था, उसको आवाज़ से बहुत ही मज़ा आ रहा है। और कियांश भी बैठा है, वो थक गया एक्चुअली। सो हम लोग यहाँ पे पटाखे फोड़ रहे हैं, आप एंजॉय कीजिए।